हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं योर ओपिनियंस फॉर जॉब। इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज है 6 सितंबर, सितंबर का सेकेंड वीक, और इस वीडियो हम देखने वाले हैं इस वीक की इम्पोर्टेंस जो कि जॉब्स रेट है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से आ रही है। इस वीडियो में करीबन 15,000 वैकेंसीज के बारे में बात की गई है जो कि विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट से आ रही है। इसमें जो एलिबिलिटी के लिए, अगर आप केवल 10th पास हैं या आप अगर हायर डिग्री वाले हैं, तो सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ पोस्टेज देखने को मिलेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तब आप समझ पाइएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स हैं, और आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स होते हैं या उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका फुल डिटेल्स अर्थात एडवर्टाइजमेंट और डायरेक्ट लिंक और शॉर्ट वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली और भी उसके बारे में डिटेल्स में समझ पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में केवल हम लोग शॉर्ट्स में बात करते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियोज लंबी हो जाएगी और पॉसिबल्स नहीं है कि सारे अपडेट्स को, जो कि 15 से 20 अपडेट्स होते हैं, इतने डिटेल्स में बात किया जाए। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा, इसमें बात आप समझ पाइएगा कि हाँ, इसके लिए आप एलिजिबल्स हैं या नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ से अपडेट्स आ रही है और क्या क्या अपडेट्स आ रही है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर ऐसे ही आपको डेली बेसिस पर जॉब्स अपडेट और हर वीकेंड आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की अपडेट्स दी जाती है, जो कहीं नहीं मिलता है वो इस चैनल पर मिल ही जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। जो पहली अपडेट्स आ रही है, नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसके तरफ से 15 पोस्टेज है जो कि एडिटोरियल्स असिस्टेंट्स के लिए है। इसमें हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप केवल डिग्री वाले हैं अर्थात बैचलर डिग्री है आपके पास, तो आपके लिए इसके लिए एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट लेस देन 45 ईयर्स, अगर आपके एज लिमिट है, अगर एज जो है आपका 45 से कम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं। लास्ट डेट की हम बात कर लेते हैं तो 23 सितंबर 2020 है, और अप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है, अप्लीकेशन फ़ी फ्री है। सैलरी आपको 30,000 से 40,000 के बीच में, 30,000 प्लस सैलरी पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाएगी, और ये कंटेक्चुअल जॉब है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स की तरफ से वैकेंसीज हैं, जिसमें 171 सीटें हैं जो कि असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ट्रांसलेटर्स एंड कुछ अदर्स वाले हैं। इसकी हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में आपको डिप्लोमा, डिग्री, लॉ से PG एंड कुछ अदर्स भी डिग्री वाले एलिजिबल्स हैं। हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज पर पोस्ट एज लिमिट है, जो मिनिमम एज है वो 27 ईयर्स है, और कुछ पोस्टेज के लिए 28, कुछ के लिए 30 और कुछ के लिए 35 है। तो एज एज पर पोस्ट है। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिलेगा। लास्ट डेट 26 सितंबर 2020 है, और अप्लीकेशन फ़ी 500 और 800 रुपीज़ है। किसी पोस्ट के लिए 5 है और किसी पोस्ट के लिए 800 है, जो कि जनरल और OBC के लिए है। अदर्स के लिए कोई अप्लीकेशन फ़ी नहीं है अर्थात फ्री है। सैलरी एज पर पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 30,000 से लेकर 80,000 के आसपास जा रही है। एज पर पोस्ट सैलरी है, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्टेज दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट अपडेट है आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था की गई है, जो कि 1,000 सीटें हैं। इसमें 10th, 12th और ITI वाले एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं तो 15 से 24 ईयर, और एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से देखने को मिलेगा। लास्ट डेट 25 सितंबर है, और अप्लीकेशन फ़ी 100 प्लस चार्जेज है, जो कि जनरल और OBC के लिए है, और अदर्स यहाँ पर फ्री है। सैलरी अप टू 7,000 प्लस पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाएगी, अर्थात 10th के लिए 6,000 है, और 10+2 और ITI वाले के लिए 12 7,000 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट अपडेट है नवोदय विद्यालय समिति NVS की तरफ से, जिसमें 454 पोस्टेज है PGT, TGT एंड FCSA, जिसमें कि एनी डिग्री वाले प्लस BEd आपका कंपलसरी है, एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट कोई नहीं है, आप इसमें कितना भी एज के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट बेसिस जॉब्स है। लास्ट डेट है आपका 11 सितंबर 2020, और इसमें आपको ईमेल्स के भाई एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। अप्लीकेशन फ़ी फ्री है, और सैलरी 30,000 प्लस पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपको जो अपडेट देखने को मिल रही है, कोल इंडिया सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि 1,565 पोस्टेज है ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। अर्थात इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 10th प्लस ITI होना चाहिए, और एज लिमिट 35 ईयर्स,
और लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2020। एप्लीकेशन फी फ्री है, सैलरी 7000 प्लस पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 610 पोस्टेज है, जिसमें कि मेडिकल ऑफिसर, इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, प्रोफेसर एंड कुछ अदर्स के लिए भी पोस्टेज देखने को मिल रही है। एलबीटी की बात कर लेते हैं, तो डिप्लोमा बी बीटेक्स डिग्री वाले और कुछ पोस्टेज के मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एमबीबीएस हैं और कुछ अदर्स वाले भी इसमें एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट 45 ईयर्स है और लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2020 है। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। अप्लीकेशन फ़ी 105 रुपीज़ जनरल ओबीसी के लिए, 65 रुपीज़ अदर्स के लिए। सैलरी 27000 से 65000 प्लस पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है, इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई, भारत सरकार टकसाल की तरफ से, जहाँ के क्वाइंस को बनाया जाता है, 20 पोस्टेज देखने को मिल रही है, जो कि सुपरवाइजर, इनग्रेवर्स, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन। एलिबिलिटी की बात करते हैं, आरटीआई, डिप्लोमा बी बीटेक्स एंड एनी ग्रेजुएट एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो 25 एंड किसी पोस्ट के लिए 28 है। लास्ट डेट 4 अक्टूबर 2020 और अप्लीकेशन फ़ी 472 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी के लिए और अदर्स के लिए फ्री है। सैलरी 30000 प्लस पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल रही है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है नेवली लिग्नाइटेड कॉरपोरेशन NLC के तरफ से। अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था की गई है, जो कि 10th ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप, BSc, BCom एंड BA वाले, अर्थात ग्रेजुएट हैं जो आप, अगर आप नॉन टेक्निकल से, तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं। पोस्ट की हम बात कर लेते हैं, तो 475 है और एलिबिलिटी 10+ ITI ट्रेड और BSc अकाउंटेंट के लिए कुछ अदर्स है, जिसमें BCom और BA वाले भी एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट 24 ईयर है और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। लास्ट डेट 20 सितंबर 2020 है और अप्लीकेशन फी फ्री है, अर्थात बेस पर रोल अब फ्री है बेसिकली एज पर रोल, और सैलरी आपको एज पर रोल देखने को मिल जाएगी, जो कि स्टाइपेंड में आपको 10 से 12-15 हज़ार के बीच में स्टाइपेंड है, जो कि हर ट्रेड के लिए कम है और अकाउंटेंट के लिए थोड़े ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट जो अपडेट्स आ रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिसोलॉजी रिसर्च, जो कि लखनऊ में है, 34 पोस्टेज देखने को मिल रही है, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर्स एंड कुछ अदर्स के लिए है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, डिप्लोमा BE BTECH BSc MSc वाले एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट हम बात करते हैं, एज पर पोस्ट है, जो कि 27 से लेकर किसी में 32 तक है। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2020 है और अप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ जनरल और ओबीसी के लिए है और अदर्स फ्री है। सैलरी 51000 प्लस पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है, उड़ीसा पोस्टल सर्कल, जिसमें कि 2060 डाक सेवक, ग्राम डाक सेवक और ब्रांच पोस्टमास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर, जिसमें कि अगर हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 10th ऑनली अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट 40 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से देखने को मिल जाएगी और लास्ट डेट 30 सितंबर 2020 है। अप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ जनरल और ओबीसी के लिए और अदर्स के लिए फ्री है और सैलरी आपको अप टू 14000 प्लस पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL की तरफ से 40 पोस्टेज आ रही है इंजीनियर और मैनेजर्स के लिए। इसमें BE BTECH वाले एलिजिबल्स हैं और एज लिमिट की हम बात करते हैं तो 30 ईयर्स है। लास्ट डेट 25 सितंबर 2020 है और अप्लीकेशन फ़ी 700 रुपीज़ है, जो कि जनरल और ओबीसी के लिए, STSC PWD अर्थात अदर्स के लिए फ्री है। सैलरी 6.5 लाख पर प्लस पर एनम के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। इसमें आपको जो पोस्टेज देखने को मिल रही है, 20 पोस्टेज देखने को मिल रही है, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एंड अदर्स। हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो BE BTECH वाले, MSc वाले और कुछ पोस्टेज में अदर्स भी एलिजिबल्स हैं।
एज लिमिट 35 ईयर है और लास्ट डेट आपका 21 सितंबर 2020 है। अप्लीकेशन फ़ी नहीं है और सैलरी 60,000 प्लस पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल रही है। तो यही कुछ अपडेट थी। ओ नहीं, एक और अपडेट्स आ रही है जो कि बैंकिंग IBPS की तरफ से। इसमें हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड IPPS जो कि 1557 क्लर्क की पोस्टेज के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया है। जिसमें हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो एनी ग्रेजुएट वाले एलिजिबल्स हैं। एज लिमिट 28 ईयर्स है, लास्ट डेट 23 सितंबर 2020 और अप्लीकेशन फ़ी 850 रुपीज़ जनरल और OBC के लिए, 175 रुपीज़ अदर्स के लिए और सैलरी आपको 25,000 प्लस पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु पोस्टल सर्कल्स की तरफ से 3162 ग्राम सेवक, डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मैनेजर्स, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर्स के लिए पोस्टेज देखने को मिल रही है। हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ओनली 12th पास एलिजिबल्स हैं और एज लिमिट्स 40 ईयर्स है, लास्ट डेट 30 सितंबर 2020, अप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ जनरल और OBC के लिए, अदर्स फ्री है और सैलरी आपको अप टू 15,000 प्लस पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। तो यही कुछ अपडेट थी और हमें उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर होगी और अगर आप एलिजिबल्स होते हैं तो आप उसको अप्लाई भी ज़रूर करेंगे और आप समझ पाए होंगे। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कीजिए और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।